कप बचा हुआ चावल, कटा हुआ धनिया की पत्ती, हाफ इंच का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटा हुआ हरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून तेल, हाफ कप बेसन। सबको अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट डो बना लें। हाथ धो करके हाथ में तेल लगा करके छोटा छोटा बॉल बना लें। एक टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून मिर्च पाउडर, एक टीस्पून जीरा, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। हाफ कप पानी। दो टेबल स्पून तेल, एक टीस्पून जीरा, दो मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, टेस्ट के अनुसार नमक, प्याज हल्का गुलाबी होने तक पकाएं, एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ कप पानी। एक टीस्पून धनिया पाउडर, तेल छोड़ने तक मसाला भुने। दही का घोल जो बनाया था, एक कप पानी, उबाल आने के बाद उसमें बॉल डालें। ढककर उबाल आने तक पकाएं। अब ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। हमारा बचा हुआ चावल का कोफ्ता तैयार है।